नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडिया चैनल को। दोस्तों, जैसे कि मैं अपना लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आप अपना प्रोडक्ट को अमेजोन पर सेल कर सकते हो, उसी तरह आज बताएंगे कि अपना प्रोडक्ट किस तरह आप फ्लिपकार्ट में सेल कर सकते हो। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो का कोई भी पार्ट अगर समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके जरूर बताना, हम आपको कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे या फिर किसी भी सेलिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट को सेल करके आपको फायदा क्या होगा, ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेल करके आपको बेनिफिट क्या हो सकता है। बेनिफिट एक ही बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है कि अपना जो बिजनेस है, आपका जो बिजनेस है, बिजनेस का आपके पास प्रोडक्ट है, कई सारे आपके पास ऑफर भी है, डिस्काउंट ऑफर भी है, लेकिन फिर भी आपके पास उतना वैल्यू कस्टमर नहीं है जितना वैल्यू कस्टमर आपको होना चाहिए आपके बिजनेस में। अमेजोन या फ्लिपकार्ट या इसी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इन लोगों के पास कस्टमर होता है। तो अपना प्रोडक्ट इनके पास भेजोगे, इनकी मदद से अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा और इनकी मदद से अपना प्रोडक्ट आप पूरे इंडिया में सेल कर पाओगे। इसी तरह अपना जो कस्टमर है इंक्रीज कर पाओगे और कस्टमर इंक्रीज होने के साथ साथ आपका जो बिजनेस का वैल्यू है, आपका जो टर्नओवर है एनुअली, वो ऑटोमेटिक डबल होने लगेगा। तो यही बहुत बढ़िया बेनिफिट है आपके लिए, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अमेजोन पे कर लीजिए, फ्लिपकार्ट पर भी कर लीजिए। अगर आप मेरा अमेजोन वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, फ्लिपकार्ट में कैसे रजिस्टर करना पड़ता है। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट में रजिस्टर होने के लिए आपके पास क्या क्या चीज होना चाहिए। पहला तो आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी होना चाहिए, उसके बाद आपको एक जीएसटी नंबर होना चाहिए। जीएसटी नंबर के बिना आप फ्लिपकार्ट में ओनली बुक सेल कर पाओगे, कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाओगे। और उसके बाद आपको एक टैन नंबर चाहिए, टैन नंबर की मदद से आप अपना जो टीडीएस हो तो यहाँ से मैनेज कर पाओगे। अब चलते हैं फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ जाके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह आप ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए फ्लिपकार्ट में एज ए सेलर रजिस्टर हो पाओगे। फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल साइट में आने के बाद आपको एकदम नीचे चला जाना होगा। नीचे जाने के बाद एकदम नीचे लेफ्ट कॉर्नर में पहला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेल ऑन फ्लिपकार्ट, वहां पे आपको टैप करना होगा। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ज्वाइन अस नाउ, वहां पे आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा, आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर, जिस नंबर से आप अपना बिजनेस को यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हो उसी नंबर को यहाँ पे आपको डालना होगा। चलिए मैं अपना नंबर डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको रजिस्टर नाउ वाले बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सामने एक क्रिएट योर सेलर अकाउंट वाला पेज खुल के आएगा, जहाँ अपना जो मोबाइल नंबर डाला है उसको ओटीपी यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए मैं अपना ओटीपी डाल के अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाइड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना होगा, आपको यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना होगा। सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद साइन अप वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे पिकअप एड्रेस का पिन कोड डालना होगा, उसके बाद आपका पिन कोड यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपका जो पिकअप एड्रेस है उसको यहाँ पे डालना होगा। डालने के बाद जो नीचे आपको कंटिन्यू बटन दिखने को मिलेगा वो आपको कंटिन्यू कर देना होगा। उसके बाद आपसे आपका जीएसटी नंबर मांगेगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो पहले ही बताया था कि आप जीएसटी को बुक सेल कर पाओगे। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मिलेगा कि आप जीएसटी को बाद में भी डाल सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे बाद में डालने के लिए तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। फिर यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना होगा, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट होल्डर का नेम डालना होगा। फिलहाल मैं इसको अभी स्किप करके दिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए। उसके
उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो अकाउंट है वो 20% कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो अपना मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है, अब आपको ईमेल वेरीफाई करना होगा। चलिए मैं अपना ईमेल आईडी पे जाता हूँ। जीमेल पे आने के बाद आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट की तरफ से ईमेल देखने को मिलेगा, जहाँ पे आके आपको अकाउंट वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का बटन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो प्रोफाइल है वो 30% कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टोर डिटेल्स डालना होगा, अपना जो बिजनेस का डिस्प्ले नेम होगा यहाँ पे डालना होगा, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको जीएसटी नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करना होगा। प्रोडक्ट लिस्टिंग जो होता है अपना प्रोडक्ट का नेम से या फिर आपका प्रोडक्ट का ब्रांड से या फिर जो प्रोडक्ट का कोड है उससे आपको प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करना होगा। उसके बाद एक एक करके अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टिंग करना होगा। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बाद आपका जो अकाउंट है सेलर अकाउंट वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर वेलकम के साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लिस्टिंग का, वहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर यहाँ पे आपका जितना प्रोडक्ट होगा यहाँ से आप लिस्टिंग कर पाओगे। सारे आपको कैटेगरी प्रोडक्ट लिस्टिंग का पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोडक्ट लिस्टिंग एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए अगर आपको किसी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरह से करते हैं। मोर वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सारे ऑप्शन को आप एक एक करके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बायर चार्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपका जितना भी अर्निंग होगा यहाँ पे आपका अर्निंग सारा शो कर जाएगा। जितने भी प्रोडक्ट आपका सेल हुआ है, कितना आपका अर्निंग हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आपको सेल होने लग जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप अपना फ्लिपकार्ट सेलर आईडी क्रिएट कर सकते हो। और जितने भी यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का जो डिटेल्स यहाँ पे डालना था मैंने नहीं डाला, यानी कि जीएसटी नंबर और बैंक डिटेल्स, क्योंकि मैं एक डेमो अकाउंट क्रिएट किया हूँ इसलिए मैं नहीं डाला। आप अपना सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल लीजिएगा। डालने के बाद आप आराम से फ्लिपकार्ट पर अपना जो प्रोडक्ट होता है आराम से सेल कर पाओगे और अपना जो सेल वैल्यू है इंक्रीज कर पाओगे और कस्टमर तक ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पाओगे। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।